अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेसनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 30 इंडक्शन एंड इंडक्टेंस प्रॉब्लम 8 है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द लूप के। 10 सेंटीमीटर वायर है, डायमीटर 2.5 मिलीमीटर का है, रेजिस्टिविटी दे दी है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मांग रहा है ताकि कितना तब्दीली करें बी के मैग्नीट्यूड में कि 10 एम्पियर का करंट बन सके। पहले तो रेजिस्टेंस देख लेते हैं लूप की कितनी बनेगी। रो एल ओवर ए, रेजिस्टिविटी पता है, लेंथ पता है और आपको डायमीटर पता है। पाई आर स्क्वायर का हम निकाल लेंगे, डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। इस सारे को लेकर सॉल्व कर लेंगे तो जनाबे वाला 1.110 - 3 ओम की रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। अब फ्लक्स का कहानी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ के बराबर होता है। तो आपके पास चूंकि वो परपेंडिकुलर था प्लेन पैरेलल हो जाएगी नॉर्मल और बी की वैल्यू तो जीरो लग जाएगा। अब आपके पास चूंकि सर्कल में उसने कहा है सर्कुलर लूप है तो पाई आर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। चेंज चूंकि उसने हमसे मांगी कि बी में चेंज लाओ तो बी की चेंज ले लेंगे टाइम के लिहाज से। यहाँ पे ये ईएमएफ है आर से डिवाइड कर देंगे तो डीवी बाई डीटी को एक तरफ करेंगे, बाकी फैक्टर दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इस सारे को लेकर सॉल्व करेंगे तो 1.4 टेस्ला/सेकेंड की चेंज आनी चाहिए। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।